हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2। एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द पर्सन विच इज कलर्ड। अब यहाँ हमें फिगर में कितना पार्ट कलर्ड है वो बताना है और उसका परसेंटेज भी निकालना है। अगर यहाँ पूछा पार्ट, दैट मीन्स हमें फ्रैक्शन में बताना है कितना पार्ट। तो देखिए, अगर हम इस फिगर को कंप्लीट करें, ऐसे ये लाइन करें और ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर दें, कंप्लीट इस दोनों लाइनों को आगे कंप्लीट कर दिया, तो हमें पता चल रहा है कि ये 4 इक्वल पार्ट है सर्किल के। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 टोटल पार्ट्स, और कलर्ड पार्ट कितने हैं, 1। तो फ्रैक्शन में कितना हो गया कलर्ड, 1/4। शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट, तो शेडेड पार्ट 1 और टोटल पार्ट 5। अब फ्रैक्शन को परसेंट बनाना कितना इजी है, 100 से मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या हो गया, 100/4, दैट इज 25%। मतलब फिगर का 25% पार्ट कलर्ड है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो अब यहाँ पे कलर्ड पार्ट क्या होगा, पार्ट इक्वल टू शेडेड पार्ट। अब देखिए, यहाँ पे इस पिक्चर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ डिनोमिनेटर हो गया 5, टोटल पार्ट्स है 5 और शेडेड कितने हैं, 1, 2, 3। तो कलर्ड पार्ट हो गया 3/5। अब इसको इन परसेंट में, फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 × 2 = 10, 20 इक्वल टू क्या आ गया आंसर, 20 × 3 = 60%। इस फिगर में 60% पार्ट शेडेड है या कलर्ड है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब यहाँ देखिए, फिगर के कितने पार्ट करे गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और शेडेड कितने हैं, 1, 2, 3। तो कलर्ड पार्ट क्या हो गया, 3 और टोटल कितने, 8, तो 3/8 हो गया इसका कलर्ड पार्ट। अब इन परसेंट में निकाल लेते हैं, 3/8 × 100। यहाँ 4 से 4, 2 = 8 और 4, 2 = 8 और 4, 5 = 20। तो ये हो गया 75/2, दैट इज क्या हो गया, 37.5%।